दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे पास, और जो है व्हाट्सएप भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं कई लोगों को स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज करने में या किसी अदर सर्विस यूज करने में। तो किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके से, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ऑनलाइन जो है सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा सकते हैं। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोसेस की मदद से जो है आप घर बैठे जो है अपनी सारी प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करा सकते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो, चाहे वो योनो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ATM से रिलेटेड हो, भीम UPI से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की अगर SBI से संबंधित कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप ऑनलाइन ही जो है आप सॉर्ट आउट करा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे SBI ने एक नया फीचर्स चालू किया है जिसकी मदद से जो है आप डायरेक्टली जो है यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो ही जानेंगे कि क्या है वो प्रोसेस, कौन सा वो फीचर्स है जो SBI ने नया लॉन्च किया है और जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करा पा रहे हैं आप, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की प्रॉब्लम जो है बहुत ही आसानी से जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है ऑनलाइन SBI.com पे आ जाना है। जैसे कि आपको दिख रहा है हमने आपके सामने जो है वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इसे आप एंड्रॉयड मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम ब्राउजर वगैरह ओपन कर लें और उस पर जो है ये वाला URL जो है onlinesbi.com ओपन कर लें। इसे ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ना ही लॉगिन करना है ना ही कुछ भी करना, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको बहुत सारे लिंक्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जो है एक लिंक जो है SBI ने नया स्टार्ट किया है और वो है ये कस्टमर रेज एंड कंप्लेंट फॉर न्यू, जिस पे न्यू लिखा है इस वाले लिंक को आपको देखना है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप न्यू वाले पे जाएंगे तो ये उन लोगों के लिए है जिनका SBI में पहले से अकाउंट है और जो है उनके अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। पहले समझ लेते हैं जिन लोगों के अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कराएंगे। तो यहाँ पे हमें जो दूसरा वाला लिंक है ये बीच में, इस वाले लिंक पे जो है क्लिक करना है। तो हम इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे, हम न्यू टैब पे ओपन करके आपको दिखाते हैं, तो इस तरीके से जो है कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी भी दिखाई गई है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली ओके करेंगे और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेस रिक्वेस्ट कंप्लेंट टाइप्स का, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रेस कंप्लेंट। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सिलेक्ट करना है कंप्लेंट की कैटेगरी, प्रीपेड कार्ड से रिलेटेड कंप्लेंट करना चाह रहे हैं या जो है अदर। तो अभी हम फिलहाल करेंगे अदर, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कैटेगरी देखने को नहीं मिल रही है, दो ही कैटेगरी हैं, प्रीपेड कार्ड मेरे पास है नहीं, तो हम अदर को सिलेक्ट करेंगे और अदर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो आपको इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे एक अकाउंट नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, ये वाला इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP है, इस पर हमें क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो ये जो OTP है ये आपका उसी नंबर पे जाएगा जो आपका बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड है। बैंक अकाउंट के साथ में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये वाला प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रोसेस है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा जिन लोगों का अकाउंट के साथ में नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास OTP आ चुका है, आप यहाँ पे देखिए ये बॉक्स आ गया है, इसमें हमें OTP फिल करना है। और अगर आप जानना चाहें हमारा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस कौन सा लिंक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखाया गया है मोबाइल नंबर आपका ये वाला लिंक है और ईमेल आईडी आपकी ये वाली है। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, अगर आपके अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, केवल मेल आईडी लिंक है, तब भी काम हो जाएगा, आपको ये OTP जो है आपकी मेल आईडी पे भी मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल या ईमेल में से कोई ना कोई एक चीज़ जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए अकाउंट के साथ में। तो हम यहाँ पे OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये अगले स्टेप की तरफ बढ़ गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे कस्टमर टाइप आ गया है, जहाँ पे गेटिंग SBI कस्टमर आ गया है, क्योंकि हमने अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया था इसलिए आ गया, इसे आप नहीं चेंज कर सकते हैं।
नीचे आ रहा है नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे आपका जो भी नाम है अकाउंट में वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे नाम डालने के बाद अब उसके बाद नीचे यहाँ पे ब्रांच कोड आपको नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका अकाउंट के साथ में जो भी लिंक होगा वो ऑटो ले लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे है कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस तरीके की जो है कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए ATM रिलेटेड का है, एडवांस का है, डिपॉजिट का है, डीमैट का है, जनरल बैंकिंग का है, गवर्नमेंट स्कीम का है, NRI सर्विस का है, रेमिटेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, योनो का है, टेक्नोलॉजी योनो लाइट SBI का है, भीम SBI का है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। फिलहाल हम शॉर्ट में एक एक कैटेगरी को देखेंगे। हम ATM रिलेटेड पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे सब कैटेगरी जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ATM से रिलेटेड आपकी क्या प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा ATM मेंटेनेंस रिलेटेड, ATM रिलेटेड, पेमेंट गेटवे रिलेटेड, POS रिलेटेड। तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है जिस कैटेगरी से रिलेटेड वो आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। और इस पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे नीचे जो है ATM रूम नॉट क्लीन आ गया, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप फिर से एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि ATM से संबंधित आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ATM मशीन से आपका विड्रॉल नहीं हो पाया है या ATM आपका वर्क नहीं कर रहा है, जो भी है आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगली कैटेगरी को हम देखते हैं। ATM रिलेटेड में आपने देख लिया, इसी तरीके से यहाँ पे एडवांस में हम सिलेक्ट करेंगे। एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पे और कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। एग्री गवर्नमेंट स्कीम लोन्स का आ गया है, बैंक गारंटी आ गया है, एजुकेशन लोन आ गया है, यहाँ पे लोन से रिलेटेड कैटेगरी भी आपको सारी मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप जो अपने अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगली कैटेगरी देखते हैं एडवांस के बाद डिपॉजिट का है, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट के बाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट से रिलेटेड और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको देख रहे होंगे आपका डिपॉजिट का अकाउंट ओपन नहीं हो पाया है या ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, जो भी है वो आप कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करें। मान के लिए हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट करनी है तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे जो है आपको ऑप्शन और देखने को मिलेंगे कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेनी है। आपके सामने कोई भी एरर आ रहा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, वो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट के बाद यहाँ पे जो है डीमैट का है, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि डीमैट वाले कस्टमर बहुत ही कम होते हैं। डीमैट से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे अगला ऑप्शन है जनरल बैंकिंग का, इसे सिलेक्ट करेंगे। तो इस पे जो है प्रोडक्ट सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ब्रांच में कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पासबुक से रिलेटेड वगैरह जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मान के लिए पासबुक रिलेटेड हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम है पासबुक की, पासबुक में एंट्री की प्रॉब्लम है या डुप्लीकेट पासबुक में जो है प्रॉब्लम है या पासबुक आपको डिले से मिल रही है, कोई भी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जनरल बैंकिंग के बाद देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम है, इसी तरीके से NRI सर्विस है, रेमिटेंस का है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे योनो है, योनो पे सिलेक्ट करेंगे तो योनो ऐप से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी, जितने भी फीचर्स हैं योनो के अंदर उन सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने को मिल जाएगी। तो योनो से रिलेटेड मेरे पास भी सबसे ज़्यादा कॉल, कमेंट्स और व्हाट्सएप आते हैं, तो यहाँ पे जो है योनो से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लमें दी गई हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। माने चलिए आपने जो है कोई एक प्रॉब्लम फेस की है कि हमारा फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है योनो से, तो फंड ट्रांसफर पे सिलेक्ट करेंगे। और फंड ट्रांसफर पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी में फिर से हम कि यहाँ पे जो है हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो है शेड्यूल फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, अकाउंट नॉट मैपिंग आ रहा है, बेनिफिशियरी ऐड वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही है, कहने मतलब किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण में ले लेते हैं कोई भी कैटेगरी। हम यहाँ पे जो है योनो में क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, और क्रेडिट कार्ड पे सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमारा भाई क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहा है, तो न्यू कार्ड अप्लाई फेलियर आ रहा है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको कैटेगरी वो ही सिलेक्ट करनी है जो प्रॉब्लम आप जो है फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डाले दे रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो पा रहा है, हमने जो है यहाँ पे डाल दिया मेरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में टाइप कर दें या जो है हिंदी में टाइप कर दें। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप जो है यहाँ पे 500 कैरेक्टर तक जो है लिख सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे सामने जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे जो है कैप्चा है ये वाला, इसे हम इस बॉक्स में फिल कर देंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सारी चीज़ देख लीजिए कि हमने जो है सारी चीज़ें सही से फिल की हैं कि नहीं, और उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करते ही जो है आपको देखिए इस तरीके से आपको जो
जो है एक जो है मैसेज दिखाई दे जाएगा जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। अब जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करा दिया जाता है। यहाँ पे आपके पास हो सकता है कॉल भी आ सकती है, नहीं तो मैसेज और ईमेल के थ्रू तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो अपनी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है SBI के साथ शेयर कर सकते हैं और जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको आना है फिर से वहीं पे होम पेज पे onlinesbi.com पे। और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हमने क्लिक किया था अभी बीच वाले लिंक पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने बीच वाला अभी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट ना करके यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म आ रहा है, इसे जो है सिलेक्ट करना है। इसको हम क्लिक करेंगे, न्यू टैब पे ओपन करते हैं। इसको हमने जब ओपन किया तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से इसका भी इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा गया था वो वाला स्टेप जो है यहाँ पे स्किप हो गया है। यहाँ पे जो है आने के बाद तो वो यहाँ पे गेटिंग SBI कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा देंगे। इतना करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे ब्रांच का मांग रहा है, तो यहाँ पे ब्रांच लोकेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है अपना ब्रांच का कोड या नाम डाल दीजिए, चलिए हम यहाँ पे आपको डाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ये कैप्चा है, कैप्चा फिल कर देंगे। इसमें कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही सर्च किया, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ब्रांच कोड आ गया है, ब्रांच का नाम आ गया है। इसके आगे जो है बॉक्स है, इसमें हमें चेक कर देना है, तो यहाँ पे देखिए ब्रांच कोड आ जाएगा। इस तरीके से आप ब्रांच कोड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आप मैनुअली दूसरा नंबर भी दे सकते हैं और ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने प्रोसेस बताया, अभी यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। किससे संबंधित प्रॉब्लम है, आपको भीम SBI पे से संबंधित है या जो है ATM से संबंधित है या योनो से संबंधित है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और कैटेगरी बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस में आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे भीम SBI पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे कैटेगरी आपको मिल जाएंगी कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो यहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पिन से रिलेटेड है तो UPI पिन रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है नीचे फिर से जो है नेचर ऑफ कंप्लेंट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपके पिन में क्या प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपको नीचे ऑप्शन खुलते हुए देखेंगे। तो आपको यहाँ पे सब कुछ अपने हिसाब से सिलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे नीचे जो है आपको यहाँ पे अपना टाइप कर देना है। थोड़ा बहुत मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैरेक्टर आप जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है ये बॉक्स में आपको फिल करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, सेम उसी तरीके से आपको जो है एक मैसेज मिल जाएगा बैंक की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट जो है हमारे पास आ चुकी है और इसे बहुत ही जल्दी जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है SBI से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस तरीके से अपनी सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगर आप चाहें कॉल करना तो आप कॉल भी कर सकते हैं। यहीं पर आपको ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर भी चलते हुए देख जाएंगे जो कॉल के माध्यम से आप इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो COVID-19 के चलते अभी कॉल पर सपोर्ट कम ही मिल पाती है, तो इस तरीके से अगर आप तो बहुत ही जल्दी आपका रिस्पांस आएगा। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जो रिस्पांस है वो बहुत ही फास्ट आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 24 घंटे का समय देना है, 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि शायद उनको जानकारी नहीं थी कि हम जो है SBI के द्वारा भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। शायद उनको ये प्रोसेस नहीं पता था और यहाँ पे ये फीचर्स भी SBI ने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये फीचर्स पहले नहीं था। अब यहाँ पे बैंक ने यहाँ पे न्यू करके जो फीचर्स दिया ये दे दिया है। यहाँ से जो है बहुत ही आराम से जो है अपनी कोई भी प्रॉब्लम को यहाँ से सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप जो है कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके वो सॉर्ट आउट करा सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।